है वो कैथल से विधायक हैं, लीला राम गुजर जी। तो आइए अब उनसे, अब हम उनसे बात करते हैं। लीला राम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। लीला राम जी, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि लोकल मुद्दा है जो हमारा अभी जो कैथल का है, जो बना हुआ है, कि हर एक सड़क पर पुलिस वाला खड़ा है, चालान काटता है हर एक सड़क पर, चाहे वो सिरटा रोड हो, डांड रोड हो, करनाल रोड हो, सब जगह पर पुलिस ने अपनी तैनाती की हुई है और चालान धड़ाधड़ कट रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात आपकी काफ़ी हद तक सच है और इसके बारे में मैंने एक बार नहीं, दो तीन बार एसपी साहब से भी बात की है, क्योंकि मेरे पास भी मार्केट के लोग भी आए, भगत सिंह चौक वहाँ की, अलग अलग मार्केट के लोग, मेन बाज़ार के लोग, वो आए और मैंने तब भी एसपी साहब से बात की थी और कुछ हद तक उसमें सुधार भी हुआ था, परंतु ज़्यादा नहीं। फिर दोबारा से लोग आए और ये सच भी था कि मैंने अपनी आंखों भी देखा है, चाहे कुरुक्षेत्र रोड थी, चाहे अंबाला रोड है, चाहे शहर के चौक, क्वालिटी चौक, अलग अलग चौक, पुराना बस स्टैंड, और पुलिस ने जो भूमिका कोरोना के टाइम में निभाई थी, जिस प्रकार लोगों की सेवा करने का काम किया था, लोगों का एक विश्वास जगा था पुलिस के प्रति कि पुलिस अच्छा कर रही है, परंतु इस पिछले एक महीने के अंदर पुलिस ने बिल्कुल उसका विपरीत उल्टा काम करने का काम किया। परंतु मेरे को लग रहा है, अब 4-5 दिन पहले भी मैंने एसपी साहब से बात की थी और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया था कि हम इस पे ध्यान देते हैं, कंट्रोल करेंगे, और पिछले 5-6 दिन से आपने देखा होगा उसमें काफ़ी कमी आई भी है। विधायक जी, जैसे चालान को कम करने के लिए एसपी द्वारा या प्रशासन द्वारा अखबार में भी निकाला गया था कि अब चालान नहीं कटेंगे, अगर आप हेलमेट लिए हुए हैं तो उनके चालान नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी चालान अब भी कट रहे हैं। मतलब ये हो गया कि हमने कहा और उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं मान रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, कई बार हमने भी उनसे, चाहे एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, इस रैंक के अधिकारियों से हमने फ़ोन पर बात भी की, या किसी साथी ने कह दिया कि आप विधायक से बात कर लो, तो कईयों का तो इतना घटिया व्यवहार होता है, हम नहीं बात करते और जानबूझ करके लोगों को दुर्भावना से ग्रस्त होकर के और घटिया मानसिकता का अपना परिचय देते हैं और जानबूझ करके। मैंने एक दो बार स्वयं अपने आप पेवा चौक, कुरुक्षेत्र रोड और अंबाला रोड चौकी के पास भी मैंने स्वयं जा कर के देखा कि एक मोटरसाइकिल वाला साथी खड़ा है, वो सिर पर हेलमेट भी ले रहा था, उसके पास आरसी डॉक्यूमेंट सारे थे और फिर भी पुलिस वाला कहने लग रहा था भी चालान तो कटेगा, चालान आपका कटेगा। जब मैंने, उसने मेरे को नहीं देखा पुलिस वाले, जब मैंने कहा कि भाई किस बात का चालान काट रहे हो आप इसका, नहीं, सॉरी सर, गलती हो गई, ये है वो, मतलब फिर वो जा करके फिर कहने लगा सॉरी जी गलती है, मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि इसके पास डॉक्यूमेंट हैं, ये हेलमेट ले रहा है, आप किसका चालान काट रहे हो। कई पुलिस वाले तो यहाँ तक चालान काट देते हैं, कहते हैं ये चप्पल पहन रहे हैं जी, भाई गरीब आदमी है, जुत्ते कहाँ से लाएगा, वो चप्पल ही रखेगा। गर्मी के सीजन मेरा नहीं, गर्मी भी नहीं, मेरे जैसे कोई गरीब आदमी है वो जूता ले ही नहीं सकता, या तो पुलिस वाले में इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि उसको मोटरसाइकिल पर बिठाए, बाजार में ले जाए और उसको कोई जूता दिलवा दे। तो इस टाइप की हरकत कई पुलिस के अधिकारी हैं, यहाँ इंस्पेक्टर भी हैं, एक दो एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर और एएसआई भी हैं, 5-6-7 हैं, और हम, मेरे को उनके नाम, उनका सारा पता भी है और उनको कई बार समझाने की भी कोशिश की, परंतु वो फिर भी जानबूझ करके, मैं ये कहूँगा कि जानबूझ करके गलत काम करते हैं। जैसे विधायक जी, बहुत से, अब आप सरकार में हैं, सरकार में बहुत से विधायक हैं जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में चलती नहीं है, या यूं कहें कि प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, तो इस बात से क्या ये भी सिद्धि होती है कि वो विधायक ठीक कह रहे हैं? नहीं, ये बात तो मैं नहीं कहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, 90 के 90 हलकों में जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, आप बीजेपी की और उनकी तो बात छोड़िए, कांग्रेस के भी विधायक हैं, उनको भी बराबर बराबर, चाहे ग्रामीण हलके हैं, 5-5 करोड़ की ग्रांट है,
और जो शहरों के हलके हैं उनमें 10-10 करोड़ की ग्रांट देने का काम कर रहे हैं, और जब विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर के अपने हलके की बात रखते हैं तो मुख्यमंत्री फौरी तौर पर उसका पूरा करने का काम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 3-4 बार ही मीटिंग की थी और उनको ये समझाने का काम किया था। मैंने अपनी तरफ से हलका के कैथल के लोगों की डिमांड मांग पुरानी मेडिकल कॉलेज के रूप में, तो माननीय मुख्यमंत्री ने 2री-3री मीटिंग में उसकी यस करी और आपके सामने है कैथल को एक मेडिकल कॉलेज का तोहफा देने का काम किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि विधायक को ये कहे कि हमारी चलती नहीं। जैसे बहुत से अभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो जब मेडिकल कॉलेज की जब बात उनसे करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तो सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, निर्माण होगा तब देखेंगे, तो इस पर क्या कहना आपका? देखो ये कोई ऐसा तो है नहीं कोई गली या सड़क बनानी हो, ये कम से कम 400-500 करोड़ के बजट का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ज़मीन की वेरिफिकेशन, ज़मीन के डॉक्यूमेंट देखने, अनेक प्रकार की NOC होती हैं उनको पूरा करने, फॉर्मेलिटीज बहुत हैं, परंतु फिर भी मेरे को उम्मीद है। और मैंने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को देखा कि वो स्वयं ये चाहते हैं कि जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी फॉर्मेलिटीज पूरी करके और इस पर काम शुरू करने का काम करेंगे जल्दी। लीलराम जी, जैसे अभी हरियाणा में किसानों का आंदोलन बहुत चरम पर है और आपकी स्टेट में और केंद्र में सरकार है और हरियाणा में JJP के साथ गठबंधन की सरकार है जो खुद को अपना किसान नेता मानते हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो 3 अध्यादेश आए हैं आप इसको किस तरह से देखते हैं? इन अध्यादेश के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। आपने देखा होगा कैथल के अंदर ही सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लेकर के सैकड़ों की संख्या में इन अध्यादेशों के समर्थन में लोग कैथल में आए, वो DC साहब से मिले, उन्होंने प्रदर्शन किया और ये साबित किया कि हम इन अध्यादेशों के पक्ष में हैं। और मैं भी, आप हमारे को देख लीजिए, मैं कैथल का सबसे छोटे किसान का बेटा हूँ, खुद किसानी करता हूँ, अपने पड़ोसी हलका रणधीर गोलन जी वो एक किसान है, मैडम डांडा कमलेश डांडा जी जो आज हरियाणा सरकार में मंत्री है वो एक किसान परिवार से है, सभी किसानी करते हैं, किसान का दुख दर्द को हम समझते हैं। ये कोई आंदोलन नहीं है और ना अध्यादेशों का विरोध है, ये तो कांग्रेस के द्वारा एक प्रायोजित षड्यंत्र कह लीजिए, या कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशना चाहती है, जो कांग्रेस का मनसूबा इस तरह की छोटी हरकतें करके पूरा होने वाला नहीं। ये 3 अध्यादेश किसान के 100% हक में है, इनसे किसान का हित होगा अहित नहीं होता। इसमें अभी जैसे आपने बताया कि बहुत से समर्थन में उतरे थे बहुत से किसान, तो बहुत सी जो किसान संगठन है वो ये आरोप लगाते हैं कि ये तो सिर्फ अब BJP के कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे आए थे, कोई किसान नहीं था। नहीं, BJP का तो मैंने कह दिया, मैं BJP का विधायक हूँ, मैं स्वयं खेत में काम करता हूँ। अब भी 6-7 महीने पहले जब मैं विधायक नहीं बना था मैं स्वयं खेत में काम करता था, कसी का काम, दंती का काम, गेहूँ काटने का काम, गेहूँ बिजाई का काम, धान लगाने का काम हमने स्वयं किया, सारी उम्र हो गई। गोल्लन जी खेती करते हैं, किसान के बेटे हैं, मैडम ढांडा मंत्री हैं, किसानी परिवार से हैं। अब इस प्रकार के BJP के कार्यकर्ता भी तो किसान हैं जी, सारे वर्कर अगर BJP के ही कह लीजिए, मैं मान लेता हूँ आज BJP की हरियाणा में सरकार है, केंद्र में सरकार है और सभी 80% कार्यकर्ता BJP के, 85% कार्यकर्ता खेती करते हैं और क्या करते हैं जी। मेरे को टिकट मिल गई, मैं विधायक चुन दिया आप लोगों ने, अगर मेरी जगह किसी और साथी को टिकट मिल जाती वो भी किसान का बेटा होता, वो भी खेत में काम करता, अगर मेरे को टिकट नहीं मिलती मैं भी चुनाव के बाद खेत में काम करता, हम सारे किसान हैं। और इसमें तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये कांग्रेस वाले बरगलाने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी में भी अनेकों लोग हैं जो खेती करते हैं, वहाँ कौन सा खेती नहीं करता कोई। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ इन 3 अध्यादेशों से किसान का किसी प्रकार का भी अहित नहीं। हम कहते हैं जो लोग ये कहते हैं ये किसान के हक में नहीं, वो TV पर बैठ करके मीडिया के सामने बैठ करके डिबेट कर सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि यहाँ किसान को हानि है, नुकसान है,
आपकी किसान की या जो लोग इसे विमुख हैं उनकी आशंका दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फ्रंट पर आकर के ये कहा कि MSP का मुद्दा हम कोई इसी तरह भी ख़त्म करने वाले नहीं हैं। हरियाणा में, पंजाब में, सारे देश में MSP पर किसान की फसल खरीदी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हमने किसानों को एक राह दिखाई है जी। वो अपनी फसल को MSP से ज़्यादा अगर उसको कहीं रेट मिलता है वहाँ जा कर के बेच सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे MSP बरकरार रहेगी, लेकिन आरोप ये भी है कि MSP जो MSP है वो बिल में इंक्लूड नहीं की गई, उसमें रखा नहीं गया। और दूसरा ये सवाल है कि अगर MSP जहाँ पर अच्छी मिलेगी वहाँ पर बेच सकता है, तो इससे तो ये हुआ कि जो आड़ती है उसकी जो दुकान है उस पर ताले लग जाएंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, इससे आड़ती को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज भी किसान को एक थोड़ी छूट दी है। किसान का और आड़ती का ये जैसे अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं घी खिचड़ी का मेल है, घी शक्कर का मेल है। मैंने ये जब सर्वदलीय मीटिंग विधानसभा के बजट स्तर से पहले बुलाई थी आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा ने, तब भी मैंने मीटिंग के अंदर ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे हलके का मैं सबसे छोटा गांव है, उसमें मैं सबसे छोटा किसान परिवार से हूँ और मेरे फादर के पास 3 एकड़ ज़मीन है और 2 एकड़ ज़मीन हमने मोल खरीदी है और जिसमें कोई वो एक रजिस्ट्री नहीं है, वो 2 एकड़ ज़मीन हमने कम से कम 6-7 रजिस्ट्रियों में खरीदी है। और मैं ईमानदारी से मैंने यहाँ कहा था मीटिंग में कि वो टोटल के टोटल पैसे हमने आड़ती से लेकर के ही अगले जहाँ से खरीदी थी उसको देने का काम किया था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें हमारा अपने परिवार का घर का कोई पैसा नहीं था, सारे पैसे आड़ती के थे। एक बार में नहीं, 6 बार में ज़मीन खरीदने का काम किया था। तो इस प्रकार जो किसान मकान बनाता है, शादी करता है, सारा खर्चा आड़ती से चलाता है और जब फसल आती है तो आड़ती का वापस कर देते हैं। तो ये इस प्रकार का सौहार्द, इस प्रकार का कम्बिनेशन, इस प्रकार का आपस में प्यार भाईचारा है जो किसी प्रकार से टूटने वाला नहीं, ख़त्म होने वाला नहीं है। लीलाराम जी, जैसे अभी जो अध्यादेश आए हैं इसमें जो MSP है, मेरा जो सवाल था एक कि जो MSP है उस MSP का इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। अब आगे जो कंपनी खरीदेगी, अब जो रेगुलेटरी बोर्ड, ना कोई रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया इस अध्यादेश में, ना उसका कोई जिक्र किया गया, तो इससे जो असुरक्षा की भावना आ रही है जो किसान में, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री ने और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, आपके सामने आकर के मीडिया पर बोल दिया कि हम MSP से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रहे, क्या उनके द्वारा उनके मुंह से कहे गए शब्द अपने आप में एक कानून अध्यादेश नहीं है? इसे और इनमें समय समय पर अमेंडमेंट होती रहती है। मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ जब प्रधानमंत्री ने जुबान दे दी, मुख्यमंत्री ने जुबान दे दी, तो मेरे को नहीं लगता इसके बाद कुछ रह जाता है बाकी। जैसे लीलाराम जी, जैसे आपको ये लगता है कि MSP पे खरीद हो, किसान के साथ कोई शोषण ना हो, कोई बड़ी बड़ी कंपनी उसका शोषण ना कर दे, उसके लिए कोई रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इस प्रकार का तो ये तो पहले ही है, हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में, मंडी बोर्ड में, यहाँ पर पहले ही है इस प्रकार के प्रावधान। तो लेकिन इसमें मंडी ख़त्म कर दी गई है? नहीं नहीं, कहीं भी एक्ट इसमें ख़त्म कर दिया गया है, इस प्रकार का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें ये कहा गया कि भाई किसान के साथ किसी प्रकार का कोई छलावा, किसान का किसी प्रकार का कोई अहित भारत सरकार, हरियाणा सरकार नहीं होने देगी, इस प्रकार का उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही कहा है। आखिरी सवाल लीलाराम जी, जो कैथल से जुड़ा हुआ है, बहुत से कांग्रेसी नेता ये बोलते हैं कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से विधायक नहीं बनेंगे, जब इलेक्शन था तब बोलते थे कि कैथल में एक लट्टू नहीं बदला जाएगा, उनका ये मानना था कि 1% का विकास कार्य नहीं होगा, तो इस पर आपका क्या कहना है?
नहीं, मैंने पहले आपके सामने जिक्र नहीं किया था, जो भी कोई विधायक बनता है समय समय पर, हम पहले सुनते थे कि रोशनलाल तिवारी ने कुछ नहीं किया, एक दिन एक साथी कहने लगे कि सुरेंद्र मदान ने कुछ नहीं किया, कोई चरणदास को कहेगा, कोई मेरे को कहेगा। मैं कहता हूँ जब भी कोई विधायक बनता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सरकार की नीतियों के अनुसार विकास कार्य करता है। मैंने उस साथी को जवाब दिया था, भाई सुरेंद्र मदान ने तो वो काम किए कैथल में, शायद मैं भी ना कर पाऊँ। आपके सामने है कैथल के लोगों ने 20-30 साल पुलिस की लाठियां खाई, जेलों में गए, कांग्रेस की सरकार थी और कैथल को जिला बनाने की डिमांड थी, परंतु कैथल कांग्रेस ने कभी जिला ना बनाया। इवन के कैथल के लोगों को अगर मिला तो लाठियां और जेल मिली। 1987 में सरकार बनी, सुरेंद्र मदान जी विधायक बने। 1988 में कैथल को जिला बनवाने का काम सुरेंद्र मदान ने किया। आपने कहा कि रणदीप सुरजेवाला जी कहते हैं, मैं आपके माध्यम से ही कहूँगा कि रणदीप सुरजेवाला तो उद्योग मंत्री रहे हैं। और मैं पहले भी कहता हूँ, कैथल के अंदर उन्होंने एक रुई पीनने की मशीन भी नहीं लगाई जी। बट जब सुरेंद्र मदान जी हरियाणा प्रदेश के विधायक थे जी। उन्होंने कैथल में उस समय में 1987-88 में 30 करोड़ की लागत से शुगर मिल कैथल में लगाने का काम सुरेंद्र मदान ने किया, जिसमें आज भी हजारों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट और हजारों लोगों को सीधा रोजगार के तहत, नौकरियों के तहत रोजगार मिला है। ये सुरेंद्र मदान की देन है। लेकिन मेरा ये पूछना था कि अभी वर्तमान में कौन से ऐसे विकास कार्य होंगे, क्योंकि अभी आप देखिए, अभी चलिए अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उससे पहले भी बहुत से, अभी हम यहाँ से निकलते हैं जब पुल के ऊपर से मॉडल टाउन की तरफ, जो मंडी की तरफ पुल जाता है, वहाँ पर कोई भी लट्टू नहीं लगा हुआ पुल के, वहाँ पुल के पास जो स्ट्रीट लाइट है वहाँ पर अभी भी कोई लट्टू नहीं लगा हुआ। क्या ये बात सिद्ध होती है जो उन्होंने कहा था? आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आज रात, कल रात, परसों रात आप जा कर के देखिए, पूरा जगमग है। और इसमें भी मैं कहूँगा कहीं थोड़ी सी ढील रही है और किसी ने सीएम विंडो लगा करके या एक स्टेट टाइप ले करके उसको काम को रोक दिया था। अब सरकार ने दोबारा आदेश कर दिए हैं और मैं आपके सामने वायदा करता हूँ कि एक महीने के अंदर हम पूरे शहर को जगमग कर देंगे। जहाँ तक आपने कहा कि काम की बात, लोग ये कहते हैं, अब कैथल के लोगों को इस बात का एहसास हो ही गया जो आपके सामने है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री से सिर्फ 3 मीटिंग की थी जी। और उन्होंने कैथल को 450-500 करोड़ का तोहफा मेडिकल कॉलेज के रूप में दिया जी। कैथल इस प्रकार का शहर बनेगा, आप एक साल के बाद देखना जी। कि एक एक नहीं, 4-4, 5-5 नेशनल हाईवे से जुड़ने जा रहा है जी। इस प्रकार की हजारों 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 करोड़ की लागत से जो सड़कें बनेंगी तो कैथल पूरे ज़िले का, मैं कहूँगा, एक तस्वीर बदलेगी। और इस प्रकार के काम होंगे कि लोग स्वयं कहेंगे, हम कैथल के अंदर जो कांग्रेस के टाइम में घोषणा कर दी थी सिटी स्क्वायर, बैंक स्क्वायर, उसको जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। अब भी कैथल की हर गली में, हर कॉलोनी में सड़कों पर काम चले हुए हैं और हम जल्दी कैथल से पीने के पानी की, सीवरेज की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम करेंगे। ऐसा कोई विशेष कार्य जो आगे भविष्य के प्लान में कुछ करने जा रही है भाजपा सरकार, या कहें कि कैथल में कुछ ऐसा कुछ लगने जा रहा है? देखो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने 1-2 मीटिंग और की है, मेरी एक अपनी सोच है, सिरा चढ़ेगी तब देखेंगे। मेरे को एक, मेरा मन है कि कैथल में शहर के अंदर एक कोई गर्ल कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज बनाया जाए, सरकारी। और दूसरी मेरी एक सोच है, जब मैं 2000 में विधायक था, मेरे गांव की पंचायत ने अंबाला रोड पर 6 एकड़ ज़मीन वीटा वालों को दी है और वहां पर चिलिंग सेंटर तो अभी लगा हुआ है, परंतु उस समय के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको मिल्क प्लांट लगाने का वायदा किया था। और इसके बारे में भी मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से 2 बार मीटिंग की है और उनके सामने ये बात भी रखी है और उन्होंने उच्च अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है कि आप देखो, यहाँ अगर पॉसिबल होता है, दूध पूरा होता है, तो मेरे को उम्मीद है कि कैथल में हम मिल्क प्लांट भी लगाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलेर राम जी। तो
तो हमने लीलाराम जी से बात की और उन्होंने जो 3 अध्यादेश हैं उस पर सरकार का क्या पक्ष है, चालान हो रहे हैं उस पर क्या पक्ष है, ये सब रखा। तो ऐसे ही शख्सियत से मिलने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।